नमस्कार, जसबीर किशन चैनल में आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेके आए हैं। ये जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हर पर्पज़ के लिए, जैसा भी आपका कोई प्रोजेक्ट हो, इसमें अगर इस डिज़ाइन को आप बनाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। और इस डिज़ाइन को बनाना बहुत आसान है, इसको बिगिनर भी बना सकते हैं, आप बॉर्डर के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने जोड़ा जोड़ा फंदे डालने हैं, दो 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 दो, ऐसे इवन फंदे नहीं डालने हैं, मतलब और फंदे नहीं डालने, इवन डालने हैं, मतलब जोड़ा दो दो फंदे, है ना? तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, इस डिज़ाइन की फोर सिलाई है, फोर सिलाई के बाद डिज़ाइन की डायरेक्शन चेंज होती है, वो भी फोर सिलाई है, तो टोटल होगी एट सिलाई। तो एट सिलाई में पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इसको बनाने के लिए बॉर्डर आप कोई भी बनाइए, और आपने कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट सिलाई, और जो फर्स्ट सिलाई है आपने राइट साइड से ही स्टार्ट करनी है। सपोज करो ये राइट साइड है और हमारा बॉर्डर है, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, तो राइट साइड से हमने एक फंदा तो स्लिप करना है, बिना बुने उतारना है, है ना? सॉरी, हर बार आप इसको उतारेंगे, एक फंदा आप सिंपल बुनेंगे। इस डिजाइन को ध्यान से देखना है, आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्ट फंदों की, और एंड कैसे करना है। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो आपके फंदे पड़ भी सकते हैं, फिर कंप्लेंट आती है कि मैडम हमने तो ये डिज़ाइन डाला और इसके फंदे पड़ गए। तो इसको ध्यान रखना है, क्या करना है, जैसे हमने एक फंदा तो स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने बुन लिया, याद रखना है फर्स्ट सिलाई है। अब इस थ्रेड को हम अपनी तरफ, हम बुन रहे हैं तो अपनी तरफ करेंगे, जैसे उल्टा बुनते हैं, तो अपनी तरफ किया और इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लिया, ऐसे ही उतारा। अब हमने जैसे ही फंदा उतारा, इसको ऐसे ले जाना है, तो हम थ्रेड तो इधर है, फंदा भी ऐसे उल्टा ही उतारा है, लेकिन आगे वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है, तो ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, जे वाला। तो एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर थ्रेड आगे किया, फिर फंदे को स्लिप किया, बिना बुने उतारा, और आगे का फंदा बुनना है और इसको ऊपर से ऐसे बुनेंगे, ठीक है, बुन लिया, फिर आगे थ्रेड किया, इसको उतारा, आगे का फंदा बुन लिया, ठीक है, फिर थ्रेड अपनी तरफ किया, इसको स्लिप किया, और लास्ट वाला देखिए, ये ध्यान रखना है, लास्ट वाला फंदा हमने बुन लिया और जहाँ पे हमने इसको बिना बुने उतारा था, और डबल हो गया। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे, ये फर्स्ट थी, ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, सेकंड सिलाई है, फंदा उल्टा उतारा, अब इसको हम बिना बुने उतारा था और ऐसे हमने इसको फंदे को, थ्रेड को ऊपर से घुमाया था, इसको फिर स्लिप कर लेना है, तो हमारे पास ये दो फंदे हो गए ना स्लिप किए हुए। अब इस थ्रेड से हमने इसको एक बार और घुमाना है, एक बार और घुमाना है, और इस बीच वाले फंदे को जो उधर से सीधा बुना था, इधर उल्टा बुनना है, फिर इनको उतारा, स्लिप किया और इसको बुन लिया, फिर इन दो फंदों को, मतलब स्लिप किए को स्लिप किया, ऊपर से फंदा थ्रेड घुमाया था, एक बार और घुमा दिया, तो दो बार हो गया, और आगे के फंदे को बुनना है, फिर इसको स्लिप किया, थ्रेड घुमाया, और लास्ट में अब हमने सेकंड सिलाई में दो फंदे उल्टे बुनने हैं। पहले एक बुना था ना, हाँ, पहले नहीं बुना हमने, पहले तो हमने सीधी सिलाई पे ही एक स्लिप किया था, एक बुना था, वही दो फंदे हमारे उल्टे आ गए, ठीक है। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में, क्योंकि फोर्थ सिलाई का डिज़ाइन है, तो अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई में हमने एक फंदा स्लिप किया, फिर इस फंदे को फिर से बुना, सीधा बुन लिया। अब जो हमारे तीन फंदे बन गए हैं, ये देखिए, दो तो हमारे ए हैं, एक स्लिप किया था, तो हमारे कितने फंदे हो गए, तीन, ये देखिए ऐसे दिखते हैं फंदे, है ना? तो स्लिप किए हुए को और दो फंदे जे वाले, इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है, तीनों को,
ऐसे। फिर जो ये फंदा हम बुनते आ रहे हैं इसको बुन लेना है सीधा। इन तीनों को फिर से हमने एक करना है, फिर सिंपल फंदा बुनना है, फिर हमने तीन का एक करना है, फिर सिंपल फंदा बुनना है, फिर तीन का एक करना है और लास्ट वाला फंदा सिंपल बुन लेना है। ठीक है, तो हमारी थर्ड सिलाई कंप्लीट होगी। अब आते हैं इसकी फोर्थ सिलाई में। फोर्थ सिलाई में हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है और फ्रेंड्स हम 10 नंबर पे बना रहे हैं इसको, तो हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, तो हमारी फोर्थ सिलाई कंप्लीट होगी। जी देखिए ऐसे हमारा डिजाइन बन के आ गया है। फोर्थ सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब फोर्थ सिलाई और बनानी है डिजाइन की, तो पहले हमने इसको स्लिप किया था, एक बुना था और इसको स्लिप किया था, है ना। अब हम इसको स्लिप करेंगे इसके साथ में ही। ये अब आपने ध्यान रखना है, फिफ्थ सिलाई है हमारी। फिफ्थ सिलाई में हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको बुन लिया था, एक स्लिप किया एक बुना, फिर हमने इसको स्लिप किया था, फिर बुना था, फिर स्लिप किया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिफ्थ सिलाई है, डायरेक्शन चेंज करनी है इसकी। तो हम एक फंदा स्लिप करते ही थ्रेड आगे करेंगे फिफ्थ सिलाई में और इसको स्लिप करेंगे, है ना। पहले बुना था, अब स्लिप कर लिया, फिर आगे का फंदा बुनेंगे और ऐसे थ्रेड घुमा देंगे, ठीक है। फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस फंदे को बुनेंगे, जो बीच में डूंगाई वाला है ना, डाउन फंदा है, उसको बुनेंगे। ऐसे स्लिप किए हुए को बाल लेंगे ऐसे और इसको बुन लेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे लेकिन थ्रेड आगे करेंगे। स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया, फिर थ्रेड अपनी तरफ, स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया और एक फंदा हमने और बुन लिया। पहले हमने लास्ट में इसको डबल किया था, स्लिप करके थ्रेड घुमाया था, तो एक बुना था, अब दो फंदे उल्टे सीधे आए ऐसे, ठीक है, दो फंदे सीधे आ गए। अब हमने रॉन्ग साइड में सिक्स सिलाई है, छवीं सिलाई, इसमें हमने दो तो बुनने हैं उल्टे, दो उल्टे, इसको स्लिप किया, थ्रेड ऊपर से घुमाया, उल्टे को उल्टा बुन लिया, इसको फिर स्लिप कर लिया, फिर थ्रेड घुमाया, फिर उल्टा बुना एक, फिर इसको स्लिप किया दोनों फंदों को, तीसरा भी बना दिया और उल्टे को उल्टा बुना, इसको घुमाया और लास्ट में एक उल्टा आया है छह सिलाई में, सिक्स सिलाई में। अब आती है इसकी सेवन्थ सिलाई। सेवन्थ सिलाई में हमने क्या करना है, फिर आपने ध्यान से देखना है। एक फंदा तो हमने स्लिप कर लिया, ठीक है, अब इन तीन फंदों को फिर हमने बुनना है ऐसे, तीन का एक किया, अब इसको सिंपल बुनना है सीधा, फिर तीन का एक करना है, फिर इसको बुनना है सिंपल, तीन का एक करना है, सिंपल बुनना है, तीन का एक करना है, सिंपल बुनना है और लास्ट वाला भी सिंपल बुनना है। तो हमारी सेवन सिलाई कंप्लीट होगी। अब आते हैं एट सिलाई में। एट सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे ऐसे, जैसे फोर्थ सिलाई बनाई थी उल्टी, ऐसे ही एट सिलाई उल्टी आएगी ऐसे। जी देखिए फ्रेंड, ऐसे ये डिजाइन आएगा आठ सिलाई। अब इन्हीं आठ सिलाई को आपने रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन्हीं आठ सिलाइयों को जैसे हमने एक बार बता देते हैं, सीधा बुना था, सीधा बुन लिया, स्लिप किया और दूसरा फंदा हमने बुना था, ये ध्यान रखना। अब इसको हमने थ्रेड अपनी तरफ करके स्लिप करना है, जो ऐसे उठा हुआ फंदा है इसको स्लिप करना है, स्लिप कर लिया है ना, और थ्रेड यही रखना है और ये जो बीच का फंदा है ना, बीच बीच में दिखते हैं डाउन, इसको हमने बुनना है ऐसे, फिर हमने इसको स्लिप करना है और इसको बुनना है,
फिर थ्रेड आगे करना है, स्लिप करना है, बुनना है, थ्रेड आगे। अब फिर देखिए लास्ट में स्लिप किया और लास्ट में एक बुन लिया। तो ऐसे हमने ये रिपीट फर्स्ट सिलाई की है। तो ऐसे ही आप इसको बनाते जाइए, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीस बुन के कि भी वो कैसा लगता है ना। तो इसको आप बनाइए पहले जी। देखिए फ्रेंड, हमने ये पीस बुना है और बनकर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप ऐसा ही बनाएंगे तो बहुत सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा। ये जो डिजाइन है ना, ये आप बच्चों के स्वेटर में, कैप में और रेडीमेड में आपने अक्सर बना हुआ देखा होगा। रेडीमेड स्वेटर में ये मशीन से भी बना होता है, लेकिन हमने हाथ से बनाया है। तो अगर आपको ये वाला डिजाइन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सुंदर से प्रोजेक्ट के साथ।